हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आने वाले प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, उसका मैं अप्रोच बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है। कि दो लाइन होंगी आपके पास स्ट्रेट लाइन, एक वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन मान लिया और एक वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू मान लिया। अब ये दोनों लाइन के इक्वेशन को क्या करना है, कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हो, राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वाई का स्क्वायर आएगा, राइट, ध्यान से देखो, एक्स के भी स्क्वायर आएंगे, राइट, एक्स वाई का कॉफिशियंट आएगा, राइट, वाई के सिर्फ कॉफिशियंट आएंगे, एक्स के कॉफिशियंट आएंगे और सम कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। और ये कैसे लिखना, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उसको ए बी, राइट, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है सी, ए बी सी डायगनली लिख लेना। उसके बाद एफ जी एच ऐसे जाना आपको, तो एफ जी एच अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर ऐसे जाना आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, राइट, तो एफ जी एच। ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो रहा है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंडीशन है। वेरी लेस इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं जस्ट समझने के लिए। ये एक और कंडीशन आप चेक कर सकते हो कि एच स्क्वायर की वैल्यू, डेट मीन्स एक्स वाई के कॉफिशियंट का जो हाफ होगा उसके स्क्वायर की वैल्यू ए बी, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशियंट जो होंगे उसका प्रोडक्ट से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, राइट। ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे कि ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वेयर आपको मालूम है ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, बी वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट है, एच एक्स वाई के कॉफिशियंट का आधा है, ये ध्यान रहे, एक्स वाई के कॉफिशियंट का आधा है। और ये तो इसका मॉड ले लिया, तो ये एंगल दो स्ट्रेट लाइन के बीच आ जाएगा, इसका मैं यूज करूँगा, राइट। ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उसके लिए कंडीशन अगेन ये वाला भी काफ़ी यूज होगा, इसको भी ध्यान रखना है, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट का सम जीरो होना चाहिए। डेट मीन्स जितना ये होगा उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू येगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस, या ये प्लस होगा तो ये माइनस होना चाहिए, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल होंगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी को तभी जीरो हो पाएगा, राइट, टेन जीरो जीरो होता है। तो यहीं से कंडीशन निकाल रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा 90 डिग्री, और ये जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएंगे। प्लस एक और कंडीशन है, बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, या फिर ए बाई एच इज इक्वल टू एच बाई बी इज इक्वल टू जी बाई एफ, यानी हाँ। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है, राइट। इस पे बेस क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं, वैसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो, डेट मीन सी वन सी टू जीरो कर देंगे तो फिर ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगा पावर टू में, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा, राइट। तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दो स्ट्रेट लाइन है इसमें कंबाइंड फॉर्म में, तो ये जो दो लाइन का स्लोप का सम होगा वो माइनस में टू एच बाई बी, अगेन टू एच कौन सा है, एक्स वाई का कॉफिशियंट है, राइट, और बाई बी माइनस आने में, और जो प्रोडक्ट होगा स्लोप का वो ए बाई बी, डैट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट बाई वाई स्क्वायर कॉफिशियंट। कभी कन्फ्यूजन हो तो बी से बिलो होता है ऐसा आप याद रख सकते हो, ए से एबव होता है तो ऐसा याद रख सकते हो, ए ऊपर होगा बी नीचे होगा, एनी हाउ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होंगे। जो सबसे ज़्यादा यूज करूँगा मैं वो पॉइंट नंबर थ्री, कि कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में दे दे तो आप दोनों स्ट्रेट लाइन को निकाल सकते हो। बिल्कुल आपको मानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस तरह से फैक्टर मेथड से उसके रूट निकालते हैं वैसे ही फैक्टराइज कर लेना आपको, डेट तो ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के बराबर आए और ऐड करने पर इनके बराबर आ जाए, जैसे आप क्वाड्रेटिक में फैक्टर निकालते हो वैसे ही। तो इसलिए मैंने ये लिखा है, और यहाँ आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि वो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे ये y इक्वल टू एम वन एक्स, y इक्वल टू एम टू एक्स, बाकी कोई पॉइंट अगर लाइन पे होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, वो चीज़ है ही। और फोर्थ पॉइंट जो ऑलवेज आपको अप्लाई करना है, जहाँ से हमें आपको थिंकिंग आइडिया बताऊँगा कि ऑलवेज नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, इससे हम सारे प्रॉब्लम कर लेंगे। तो अभी मैं अप्लीकेशन प्रॉब्लम लेकर के आपको बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात कि अगर आपको दो लाइन हो जो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन हो और उसका कंबाइंड इक्वेशन को सर्च करना हो, हैविंग
एक स्लोप पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, और एक स्लोप नेगेटिव है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब कोई दो लाइन का एक स्लोप पॉजिटिव हो, एक स्लोप नेगेटिव हो और दोनों पासिंग फ्रॉम ओरिजिन हो, तो उनका जब कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे तो आप कैसे पहचानोगे कि वो होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट आएगा और एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, वो ऑलवेज अपोजिट साइन का होगा। ध्यान दे, साइन अपोजिट होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस, और ये माइनस होगा तो ये प्लस, इक्वल होंगे इसकी गारंटी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, राइट। लेकिन साइन अपोजिट होंगे, कैसे, तो यहाँ से ध्यान से देखो। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान में रखना है, तभी हमें एग्जाम में ऑप्शन को छांटने में या ऑप्शन को रिमूव करने में ईजी होगा, राइट। वैसे यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये एक लाइन है जिसका स्लोप तो निगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है, राइट। और ये एक लाइन है जिसका स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन एक एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगेन स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट का जो साइन होगा वो अपोजिट साइन होगा, तो वहाँ से ऑप्शन को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और एक और पॉइंट कि अगर एक का दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और एक का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो 3 to the -6, तो इससे आप बहुत सारे ऑप्शन को हटा सकते हो। फिर अगर वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है तो फिर सेटिस्फाई कर करके क्विकली विदाउट सॉल्विंग एक मिनट के अंदर में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये दो पॉइंट को ध्यान में रखना है, इसको अभी मैं प्रॉब्लम में यूज भी करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बताना है, फॉर्म बाय द लाइन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम, राइट। ये लाइन ईजी है लोकेट करना, राइट। अगर एक्स 0 पुट करोगे तो वाई 10/3, तो यहाँ पर कहीं पर होगा, और वाई 0 पुट करोगे तो एक्स 10, तो यहाँ पर कहीं पर होगा, ये 10, 0 और ये 0, 10/3, तो ये लाइन आपको मिल चुकी है, आप ऐसे ड्रॉ कर दो, राइट। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसे थिंक करना है, वाई का कोफिशियंट नेगेटिव आ रहा है और एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो एक बात क्लियर है कि एक लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव, तभी इस टाइप का कंडीशन आएगा, राइट। तो एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, सोचो एक का अगर पॉजिटिव होगा तो y प्लस mx, और एक का नेगेटिव होगा तो y माइनस mx, राइट, इज इक्वल टू 0। m1 m2 मानना है तो मान लो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि तभी इसमें नेगेटिव आएगा और इसमें पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव नेगेटिव है। तो एक बात क्लियर है कि एक लाइन का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा तो ऐसे कुछ होगा, और एक लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा तो ऐसा कुछ होगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगी। तो ध्यान से देखो, तो जो ट्रायंगल आपका बना है वो ये है एक्चुअली में, राइट। तो ये तो 0, 0 ही है। तो एक बात क्लियर है कि जो सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, पॉजिटिव होगा, तो ध्यान से देखो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, ऐसे बेटा आपको थिंक करना पड़ेगा, अब इन दोनों में से कोई होंगे, राइट। वैसे अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो नेगेटिव में ज़्यादा होगा तो नेगेटिव वाला हो सकता है, बट ठीक है, रिस्क लेने को ले सकते हैं। बट अगेन सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, 6x² + xy - y² = 0। ये दो लाइन को मल्टीप्लाई करके लाया हुआ है, राइट। तो अभी आपको बताया 6 × -1 - 6, तो आपको ऐसा दो नंबर थिंक करना है, जोड़ने पे ही आए, मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाए, राइट। जैसे क्वाड्रेटिव में करते हैं तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 6x² + 3xy - 2xy - y² = 0, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 3 to the -6 आ गया, देख लो, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा। इसमें 3x कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो, 2x, राइट, प्लस y आ जाएगा, 6x² + 3xy, और इसमें कौन सा कॉमन ले सकते हैं, तो -y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2x + y = 0। तो यहाँ से समझ में आ गया, एक 3x - y है और एक 2x + y है। तो वही बोल रहा था कि एक लाइन क्या आपका y = 3x और एक लाइन क्या y = -2x, वही मैं बोल रहा था, एक का स्लोप पॉजिटिव एक का नेगेटिव होगा। तो ये y को पुट कर दोगे अगर यहाँ पे, तो आपको x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो आप निकालोगे तो ये 1, 3 आएगा और ये -2, 4 आएगा, समझे कैसे। ये y = 3x पर पुट कर दो तो x वहाँ से आ जाएगा, राइट, और फिर y = -2x, तो ये क्यों, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है,
तो यहाँ से देख सकते हो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7 + 0/3, तो 7/3, और ये -2 = 1, तो -1 + 0, तो -1/3, तो ऑप्शन सी। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करने से आप 50-50 में पहुंच सकते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन होगा, तो अच्छे से इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है लाइन L1 और L2 पे ओरिजिन से, और एंगल बना रहा है π/4 3π/4, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, और जो लाइन है वो यूनिट डिस्टेंस पे है, तो इक्वेशन क्या होगा कंबाइंड फॉर्म में। तो अगेन ध्यान से देखो, सबसे पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम, और उसके बाद ही कुछ पता लगेगा आपको। तो दो लाइन है L1 L2 और ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो एक लाइन ये L1 हो गया, राइट, और एक लाइन ये L2 हो गया आपका, राइट। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये ड्रॉ किया गया, ये 1 यूनिट पे है, तो कह रहा है कि ये π/4 45 डिग्री π/4 एंगल बना रहा है, और ये भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, राइट, तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से कितना बना रहा है, 3π/4, राइट, डैट मीन्स ये कितना हो जाएगा फिर से π/4। यहाँ तक ड्रॉ करने से समझ में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये π/4 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा π/4 हो जाएगा, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 3π/4, डैट मीन्स इस लाइन का स्लोप मुझे मिल गया क्विकली, कितना हो जाएगा -1, राइट, tan थीटा से, और इस लाइन का स्लोप देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से मेजर करते हैं, तो इस लाइन का स्लोप है 1, राइट, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये पॉइंट पे मुझे मिल गया 1 cos θ 1 sin θ से 1/√2, 1/√2, तो एक लाइन जिसका स्लोप मालूम है और किस पॉइंट से जा रही है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसे भी थिंक कर सकते हैं। एक और चीज़ हम थिंक कर सकते हैं कि ये जो लाइन है L1, इसका दोनों x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, जबकि जो लाइन L2 है उसका x नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो लाइन L1 का दोनों इंटरसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव है, राइट, तो ये कैसा लाइन हो सकता है, y + x, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होने वाला है, राइट, -c, ऐसा होगा, कैसे, ध्यान से देखो, तो अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो -x स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और ये +c तभी जा करके, राइट, तो एक बार y को 0 पुट करेंगे तो c पॉजिटिव आएगा, x को 0 पुट करेंगे तो c पॉजिटिव, तो ये लाइन होगी, और ये वाले में अगेन y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा y - x + c, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0। ध्यान से देखो कैसे सोचना है, तो एक बात तो क्लियर है कि जो कांस्टेंट में है वो माइनस आने वाला है, राइट, और 1/√2 1/√2 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ध्यान से देखो 1/√2 1/√2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, ये प्लस माइनस यही 0 हो सकता है, ये प्लस माइनस ये 0, ये माइनस माइनस है तो नहीं हो सकता, ये प्लस प्लस है तो नहीं हो सकता, राइट, तो सी या डी में से होगा, और चूंकि जो कांस्टेंट टर्म है उसमें नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है, तो ऑप्शन सी होगा, ऐसे थिंक करना है। बाकी एक और मेथड है जो आप जानते होंगे कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो x cos α + y sin α = p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से भी कर सकते हैं x cos α π/4, तो 1/√2 + y sin α 1/√2 = 1, तो ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, दूसरे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो, लेकिन मैं सोचने का तरीका समझा रहा हूँ बेटा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलिस भी है, राइट, और राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PR भी आपको गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस PQ एंड QR बताना है। तो अगेन नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करो, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बना लो, और आइसोसेलिस है मतलब ये साइड इक्वल होंगे, राइट, तो डैट मीन्स ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये सब चीज़ें आपको समझना बेटा, एकदम बेसिक, राइट, ये 90, तो क्यू पॉइंट आपको दे दिया 2, 1, ये पी हो गया, ये आर हो गया, पी आर की आपको दे दिए इक्वेशन, ड्रॉ करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा 2x + y = 3, तो आपको क्यू आर और पी क्यू का कंबाइंड इक्वेशन बताना है। तो ध्यान से देखो, क्यू आर और पी क्यू 2, 1 से पास आउट हो रहा है, तो डैट मीन्स 2, 1 सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट, तो ऑप्शन में डाल करके चेक कर लो, तो ऐसा एक ही ऑप्शन ऑप्शन है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो ऐसे भी थिंक करना पड़ेगा, नहीं सर मुझे करना ही है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इस लाइन का स्लोप मिल चुका, राइट, क्या हो जाएगा -2, राइट, अब ध्यान से देखो इस लाइन का स्लोप निकालना है, एंगल पहले से मालूम है, तो लगा दो वो फार्मूला, tan θ = m1 - m2 1 + m1 m2 इसका मोड, तो चूंकि इस लाइन का स्लोप मुझे मालूम है,
इस लाइन का स्लोप अगर मैं m मानूंगा, एंगल मानूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा राइट, क्योंकि एक तो m1 अगर सपोज करो माइनस टू है तो m2 आपको निकालना है। वैसे ही इन दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल मालूम है तो फिर से पुट करके मैं निकाल सकता हूँ राइट। वैसे भी मॉड है तो दो m की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस, दोनों लाइन का स्लोप आ गया और पॉइंट 2.1 से पास हो रहा है, तो आप लाइन लिख सकते हैं फिर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो वो तो एक मेथड हुआ, लेकिन वो कन्वेंशनल मेथड हुआ। राइट अप्रोच तो यह है कि डायग्राम ड्रॉ करो फिर सेटिस्फाई करने, क्योंकि इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन होगा राइट, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में एंगल बिटवीन द लाइन अगर आपको गिवन है कि टेन इनवर्स 1/3 है तो लेमडा की वैल्यू बताना, और क्या कह रहा है, लेमडा ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए, और फिर से ऑप्शन दे रहा है माइनस वन, तो ये तो वैसे ही चला गया राइट। तो ऐसे भी थिंक करना, ये सब ऑप्शन मैंने सेट नहीं किया, ये सब पी वाई क्यू प्रॉब्लम है राइट। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा, तो अब इन तीनों में से होगा राइट। अब इसके बीच का एंगल अभी आपको बताया कैसे लिखते हैं, एंगल गिवन है थीटा, कितना गिवन है आपको, टेन इनवर्स ऑफ 1/3, तो इसलिए टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो 1/3, एंगल 1/3 है राइट। तो क्या होता है, मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या होता है, एक्स वाई के कोफिशियंट का आधा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4, 3/2 का स्क्वायर राइट, माइनस ए बी, तो ए 1 है और बी लेमडा, तो माइनस लेमडा बाई ए प्लस बी, तो ए क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा, और इसका ये रहेगा राइट। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1/9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 9/4 माइनस लेमडा, नीचे में 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं बेटा कि इसको सॉल्व करना है, चूँकि ऑप्शन गिवन है राइट, थिंक करना पड़ेगा, ऑप्शन गिवन है तो पुट करके देखो। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ध्यान से देखो, 4 to the 8, तो 9 - 8 1/4 राइट, तो 1/4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 1 + 2 = 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आ रहा है 1/9, डैट मीन्स लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, क्योंकि ऑप्शन गिवन है। ऐसा नहीं कि इसको क्वाड्रेटिक बनाओ सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं है, पुट करो और आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक पेयर ऑफ लाइंस है और परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी, तो ध्यान से देखो, पहले इसको ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर राइट प्लस बी स्क्वायर राइट प्लस 2ab 2x cos अल्फा y sin अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा राइट। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो, एक्स वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा से ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा राइट, और प्लस में 2x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब ये पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर होंगी, तो आपको क्या बोला था, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट ये हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और y स्क्वायर कोफिशियंट यहाँ पे बाय द वे है ही नहीं, तो ओके, तो जीरो, और इसका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डैट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा के, तो cos और साइन कब बराबर होते हैं, जब एंगल कितना हो, पाई बाई फोर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आपको बताना है, तो ध्यान से देखो कैसे थिंक करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे राइट, तो ये ड्रॉ कर दिया, पॉइंट 3, -2, 3, -2 कहाँ पर होगा, इधर कहीं पर होगा राइट, 3, -2। अब एक बात समझना है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये एक पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और ये नेगेटिव है, ये कब हो सकता है, अभी समझाया था, ये तभी हो सकता है जब इसमें एक लाइन पॉजिटिव स्लोप में हो और एक लाइन नेगेटिव में, तभी माइनस आ सकता है राइट, दोनों का कोफिशिएंट का साइन तभी अपोजिट हो सकता है जब एक लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो एक का नेगेटिव, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो इसमें एक लाइन का स्लोप अगर m पॉजिटिव है और दूसरे लाइन का स्लोप m नेगेटिव है, चूँकि जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका पॉजिटिव है तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए राइट, क्योंकि 90 डिग्री होना है, तो इसका पॉजिटिव है तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और इसका नेगेटिव है तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। देखो बेटा कैसे थिंक करना बता रहा, क्यों, क्योंकि m1 m2 कितना होना चाहिए, माइनस वन, उससे बता रहा हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट डेफिनेटली फिर से क्या होने वाला है, अपोजिट साइन का होना चाहिए राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस है ये हो सकता है, यहाँ पे ये माइनस है हो सकता है,
यहाँ पे अगेन दोनों प्लस है, नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन निकल गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि ये जो लाइन है तो ये लाइन को क्विकली कैसे करना वो भी बता रखा हूँ, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 5x² प्लस 2xy माइनस में 3y² इज इक्वल टू 0, 5 3 15 राइट, तो 5 3 ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस 5x माइनस में 3xy माइनस में 3y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ से कॉमन लेना है तो आपको क्या ले सकते हैं, माइनस में 3y, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। तो एक लाइन आपको आ चुकी है 5x माइनस 3y और एक लाइन आ चुकी है x प्लस वाई। ध्यान से देख सकते हो एक का स्लोप पॉजिटिव एक का नेगेटिव आया, वही बात राइट। तो इसका स्लोप मालूम हो गया मुझे, तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस में 1/m, और इसका भी स्लोप, दो लाइन का स्लोप मालूम है आपको, पॉइंट किस पॉइंट से जा रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ऑप्शन तक आ जाएंगे राइट। एक और तरीका ऐसे कि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक जो लाइन है वो आपका इस टाइप से होंगी और एक लाइन इस टाइप से होंगी, तो एक आपको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ध्यान दे, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो इस पे परपेंडिकुलर ये और इस पे परपेंडिकुलर ये राइट, ये पॉइंट से पास होना चाहिए, तो एक ये लाइन आपका और एक ये लाइन है, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन बताना था, तो 3, -2 उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन बी में सेटिस्फाई करेगा। ये आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है इस लाइन का एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एक्स और एक निगेटिव है राइट, और इस लाइन का दोनों निगेटिव रहेगा, तो ये कब हो सकता है, जब सी वाला कॉन्स्टेंट टर्म एक में प्लस में हो और एक में माइनस में हो, तो इसीलिए जो प्लस माइनस होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, वाई प्लस एम एक्स प्लस सी होना चाहिए एक, और एक वाई माइनस एम एक्स माइनस सी होना चाहिए राइट। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ माइनस है जबकि यहाँ कितना था प्लस, तो इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने थिंक करने का तरीका बताना चाहता हूँ, आपको इतना थिंक करना आ गया तो डेफिनेटली आप हर प्रॉब्लम को इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्लोप बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो ये पेयर ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है राइट, तो इसको लिख लो यहाँ पे ax² प्लस 2 times ऑफ a प्लस 1 इंटू xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक का स्लोप अगर मैं m लेता हूँ तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/m, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है राइट। तो सम ऑफ द स्लोप अगर मैं निकालूँ m प्लस 1/m सम ऑफ द स्लोप, तो वो क्या था, माइनस में 2h/b राइट, तो एक्स वाई के कॉफिशेंट राइट क्या है, 2a+1 है राइट, तो एक्स वाई का कॉफिशेंट 2a+1 और इसका माइनस बाय बी फॉर बिलो तो बाय 2, तो ये हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा m1 × 1/m डैट इज 1, और ये किसके बराबर होगा, तो a/b डैट इज a/b डैट इज 2। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो डायरेक्ट आपको आ गया a2, अगर a2 आ गया तो पुट कर दो यहाँ पे राइट, तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 5/2 वो भी माइनस में राइट। अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, डैट मीन्स m² + 1/m² ये निकालना है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा a² + b² यहाँ तक चाहिए था प्लस 2ab, तो m × 1/m, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, शुड बी इक्वल टू कितना, 25/4 राइट, तो सिर्फ इतना चाहिए, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25/4 माइनस 2 राइट, तो माइनस 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, 17/4, सो योर ऑप्शन विल बी ए। तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट, और आपको बताना है, तो ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे बच्चे ये पॉइंट नहीं समझ पाते हैं। ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट करना मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना राइट, तो ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, ये कहने का मतलब है। तो इस लाइन का स्लोप आपको मिल चुका राइट, 10 30 कितना हो गया, 1/√3। इस लाइन का भी मिल चुका है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो ये 10 60, तो ये इस लाइन का होगा √3
एनी हाउ तो ध्यान से देखो, तो एक है वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स और एक है वाई इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री एक्स। इसको इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वाई माइनस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये कैसा हो जाएगा, वाई माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है वाई माइनस रूट थ्री एक्स और वाई माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो तो y का कॉफिशेंट पॉजिटिव आएगा और ये माइनस माइनस है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों कॉफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में डेट इज ऑप्शन है। देखो इसमें नेगेटिव है और वैसे भी इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर तो है नहीं, इनके बीच 30 डिग्री एंगल है, ये नेगेटिव है नहीं होगा, ये भी अगेन नेगेटिव है एंड वन वन है, डेट मीन्स अपोजिट साइन है और इक्वल भी है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो वो तो है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा, ऐसे करना है।